लोग कहते हैं कि कुछ लोग लॉटरी खरीद खरीद के भिखारी बन जाता है और कुछ भिखारी एक दिन लॉटरी खरीद के राजा बन जाता है। मुझे भी उस भिखारी की तरह एक दिन लॉटरी लगी और मुझे प्राइस में मिला मेरा क्रश, जो प्राइस मनी से भी बहुत ही कीमती है मेरे लिए। मुझे तो मालूम है, अब आप लोग ही देख लीजिए। हेलो भाई, तुझे पता है लॉकडाउन हो गया, अब कहाँ से माल मिलेगा भाई, दारू कहाँ से मिलेगा? अबे चुप। 3 महीने के लिए मैं अपना इंतजाम कर लिया और मैं अपने क्रश के साथ बहुत ही खुश हूँ। तू प्लीज मुझे अभी डिस्टर्ब मत कर। अभी कौन आ गया डिस्टर्ब करने? हेलो हेलो, मेरा गाड़ी खराब हो गया है तो मैं कुछ देर यहाँ पे रुक सकती हूँ? एक्चुअली लॉकडाउन की वजह से कैब भी नहीं मिल रही है तो। हाँ क्यों नहीं, ये अपना ही घर समझिए, बैठिए ना। थैंक यू। और बताइए कुछ चाहिए आपको, ठंडा या गरम? मतलब चाय या कॉफी? नहीं, जब मुझे लगेगा मैं खुद ले लूंगी, अभी तो फिलहाल मुझे ड्रेस चेंज करनी है। बाथरूम इधर है, मैं इधर ही ड्रेस चेंज करूंगी। क्या सच में? हाँ मैं इधर ही करूंगी और तुम बाहर जाओ। सिनेमा मेरे हॉल पे होगा और मुझे टिकट नहीं मिलेगा। क्या ट्रेलर देखना है क्या? जाओ। मुझे तो पूरा पिक्चर देखना है। मुझको पीना है पीने दो, मुझको जीना है जीने दो। ओए मैं नहीं दे रहा क्या? लॉकडाउन में बाहर क्या कर रहा है? दारू पीने गया था। ये दारू कहाँ से मिला तेरे को? दारू कहाँ से मिला? वो तो मेरा भी क्वेश्चन है सर कि दारू कहाँ से मिला, जबकि वो लॉकडाउन में सब कुछ बंद है। स्कूल बंद हो गया, कॉलेज, दुकान भी बंद है, फिर भी दारू मिल जा रहा है। कैसे दारू कैसे मिला पता नहीं, लेकिन पीने में इसको बड़ा मजा आता है। देखिए सर बात है कि मेरा 1, 2 और 3 गर्लफ्रेंड है, ठीक है?
और मैं हूँ इंजीनियर, लेकिन मैं जॉब नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मेरे को जॉब मिला नहीं। और क्यों नहीं मिला? क्योंकि स्टेट में जॉब है नहीं, कहाँ से मिलेगा। फिर भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपने गर्लफ्रेंडों के साथ। तू इतना खुश है फिर भी दारू क्यों पी रहा है? कोई दारू पीता है खुशी में, कोई पीता है गम। मैंने पिया, मेरे जेब में 150 रुपये था, इसीलिए चलता हूँ। दुआ में याद रखना। उसको छोड़ क्यों दिया? छोड़ दीजिए सर, उसका जिंदगी में 3-3 लौड़े लग गया। बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। बैठिए ना, ये घर भी तुम्हारा, ये बिस्तर भी तुम्हारा और मैं भी तुम्हारा। तुम भी? हाँ, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं तो सोच लिया था कि इस लॉकडाउन तुम्हारे साथ ही बिताएंगे। मेरे साथ? हाँ, मतलब तुम्हारा वीडियो देख। ओह, थैंक्स इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू। अभी दिया नहीं है, बहुत कुछ देंगे। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अच्छा, तुम क्या अकेले रहते हो? तुम नहीं मिली ना? तुम मेरा इतना बड़ा फैन हो, आज तुम्हें जो चाहिए तुम मांग सकते हो, मैं दे दूंगी। तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? फोन आ रहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। साला फोन हमेशा गलत टाइम पे आ जाता है। अब कौन आ गया? आप? घर का किराया तो दे दिया था मैंने। वो सब तो ठीक है, परंतु घर से महिला का सुगंध आ रहा है। तो है साला, आप बोल रहे थे ना कि आपको कोरोना हुआ है, शायद आपको सही से स्मेल नहीं आ रहा है। जरा बात को घुमा मत। अरे अरे, क्या कर रहे हैं आप? बुढ़ा हो गया ना, इसलिए पैर फिसल गया। तो बता ना, अंदर कौन छुपी है? कोई नहीं है, मुझ पे विश्वास कीजिए। तो सड़क पे बाहर चार पहिया वाहन किसकी खड़ी है? कोई छोड़ गया होगा, मेरा नहीं है। मुझे पता है, किराया देने का औकात नहीं, वाहन कर देगा। मैं भी घर से जा रहा हूँ, परंतु अगर कोई महिला घर से बाहर जाती दिखी तो तुम विलुप्त, नहीं तो बाला डबल। ठीक है, मंजूर है, अब जाओ। ठीक है, आते हैं। पक्का तो कोई नहीं है ना? अरे मेरा बाप कोई नहीं है, अभी जाओ यहाँ से। गया साला। अबे इसका तो अबे तू इस लॉकडाउन पे बाहर क्यों निकला? तू तो मेरा भाई है, तेरे घर आने में मुझे कौन रोकेगा? नहीं नहीं, तू जा यहाँ से, पुलिस बाहर घूम रहा है, किसी भी वक्त आ सकता है। तू पहले जैसा नहीं रहा, पहले मुझे फोन करके बुलाता था, अभी जाने के लिए बोल रहा है। घर में कोई है क्या? नहीं नहीं, कोई नहीं है, तू जा। अरे दारू, दारू। आज जो भी हो जाए मैं तुझे पीने नहीं दूंगा। तू बहुत बदल गया भाई, क्या हुआ तेरा? मेरा कोरोना पॉजिटिव है। क्या हुआ? अच्छा लड़की। भाई भाई भाई, प्लीज तू छुप जा भाई, प्लीज छुप जा, वो आ जाएगा। प्लीज छुप जा भाई, प्लीज प्लीज छुप जा, नीचे 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 छुप जा। एक आवाज आया, कुछ गिरा क्या? नहीं नहीं, ऐसे ही मोबाइल पे वीडियो देख रहा था। ओ अच्छा, तुम्हारा बात हो गया? हाँ हो गया, बोलो ना, अभी तो मैं फ्री हूँ। आओ ना बैठो।
आवाज कैसे आ रहा है? एक्चुअली मेरा बिस्तर का स्क्रू थोड़ा ढीला है, इसलिए शायद आवाज आ रहा है। ओ अच्छा अच्छा, अब बोलो तुम्हें क्या चाहिए। मैं मेरे फैंस को निराश नहीं करती। तुम आगे मेरे सामने में बैठी हो, और क्या चाहिए? सोच समझ के बोल रहे हो ना? चलो ठीक है, अब तुम इतना बोल रही हो तो। सुनो ना, एक गाड़ी तो बाहर खराब होके पड़ी है, और मेरी गाड़ी खराब हो गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो तुम एक काम करो ना, तुम एक हेलमेट का जुगाड़ करो ना। लाइसेंस तो नहीं है, मगर गाड़ी के पार्ट्स के बारे में सब मालूम है, तुम चिंता मत करो। चलो इस रोड पे राइड करें। जी करता है तुझे हर तरफ से पालो, तुझे मेरी आंखों से खा लो। सर आप? हाँ मैं। मम्मी तुम्हारा ड्यूटी खत्म हो गया? सर सर ज्यादा कुछ बोलेगा तो अंदर कर दूंगा। बेबी चलो। फिर से गाड़ी खराब होगी तो तुम्हें याद करूंगी। बाय। चलो। इतना नेट प्रैक्टिस करके क्या फायदा, जब व्हाइट बॉल पे रन लेना हो। भाई मैच शुरू होने से पहले ही तो फिक्सिंग हो गया था। ले अब बीआरपी। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा था और कौन सा पार्ट सबसे मजेदार था। ये हमारा फर्स्ट काम था, इसलिए शायद थोड़ा बहुत गलती हुआ होगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट बार से ऐसा गलती ना हो, और भी ज्यादा हम आपको हंसा पाए ये हम कोशिश करेंगे। और हाँ, हम सबका जो जो कैरेक्टर में है, हम सबका इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो हम लोगों को, तो कर दो फॉलो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, अपने फ्रेंड्स लोगों को भी शेयर करके दिखा दो।